हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज के वीडियो में हम लोग ऐसा चार बेस्ट हाईएस्ट डिविडेंड वाला स्टॉक्स हम लोग जानेंगे जो जून के दौरान 2021 जून के दौरान आपको मिलने वाला है। अगर आपके पास ये स्टॉक्स ऑलरेडी है तो आपके बैंक अकाउंट में डायरेक्टली डिविडेंड का पैसा आपको मिल जाएगा। अगर आपको नहीं है तो 16 जून या फिर जो भी डेट है, एक्स डेट के पहले अगर आप इस स्टॉक्स को ख़रीदते हो तो भी आपको डिविडेंड मिलेगा। तो देखिए, ये जो चार कंपनी है बेस्ट टाटा ग्रुप का स्टॉक्स है, ये सबसे ज़्यादा डिविडेंड वाला देने वाला स्टॉक्स है। कोई भी गवर्नमेंट सेक्टर का स्टॉक से भी सबसे बढ़िया इंडिया का बेस्ट डिविडेंड, हाईएस्ट डिविडेंड यही स्टॉक्स देते हैं। आपको पता है कि टाटा ग्रुप का कितना नाम है, और टाटा ग्रुप का कोई भी स्टॉक्स को अगर बहुत प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट का एक बड़ा हिस्सा ये लोग स्टेक होल्डर्स को डिविडेंड के रूप में बांटा जाता है। तो ये जो चार स्टॉक्स है ये सबसे ज़्यादा डिविडेंड देने वाला स्टॉक्स है जो आप लोग खरीद सकते हो एक्स डिविडेंड डेट के पहले। और अगर आपके पास ऑलरेडी ये स्टॉक्स है तो आप तो आपको मिल ही जाएगा आपके बैंक अकाउंट में। तो चलते हैं, देख लेते हैं इस स्टॉक्स के बारे में। तो जो फर्स्ट स्टॉक्स है आपके स्क्रीन पर मैं दिखा रहा हूँ, टाटा स्टील लिमिटेड। इसका करेंट प्राइस है 1112 रुपीज़, और इसका आप देख सकते हो स्क्रीन पर कि इसका जो मार्केट कैपिटल है बहुत ही बढ़िया है, प्राइस ऑफ अर्निंग्स भी बहुत सही है। इसका जो मार्केट डिविडेंड यील्ड है यहाँ पे देख सकते हो 1.1 है, और इसका मैं आपको दिखाऊंगा डिविडेंड का डेटा। डिविडेंड का डेटा मैं आपको कॉर्पोरेट एक्शन में जाके डिविडेंड आप देख सकते हो, यहाँ पे डिविडेंड यहाँ पे दिया है कंपनी ने, ठीक है। तो कंपनी ने ऑलरेडी डिविडेंड डिक्लेयर किया है, टाटा स्टील हैज़ डिक्लेयर 25 रुपीज़ डिविडेंड पर शेयर। और ये इसका जो कंपनी को एक्स डेट है जून 17th, यानी आप अगर 16 जून को भी ये स्टॉक्स खरीद लेते हो तो आपके पास ये स्टॉक्स का डिविडेंड आपको मिल जाएगा। मतलब 16 जून तक आपके डीमैट पर ये टाटा स्टील का स्टॉक्स होना चाहिए, फिर आपको मिल जाएगा। और अगर आपके है तो बिल्कुल मत सेल कीजिए जून 17th के पहले, ठीक है। तो ये था फर्स्ट स्टॉक्स टाटा स्टील। सेकेंड स्टॉक्स आपको मैं बताऊँगा टाटा केमिकल। ये भी एक टाटा ग्रुप का स्टॉक्स है, इसका जो करेंट प्राइस है 710 रुपीज़ है, आप स्क्रीन पर देख सकते हो। और ये भी एक टाटा ग्रुप का बहुत ही बढ़िया स्टॉक्स में जाना जाता है। इसका भी कैपिटल, मार्केट कैपिटल आप देख सकते हो ग्रीन है, प्राइस टू अर्निंग्स भी बहुत अच्छा है। इसका जो डिविडेंड यील्ड है 1.5 है, और इसका जो नेट प्रॉफिट है वो आप देख सकते हो 2.56 है। आप डिविडेंड की ओर चलते हैं, डिविडेंड्स का जो डेटा है मैं आपको दिखाऊँगा। तो टाटा केमिकल हैज़ डिक्लेयर्ड 25 डिविडेंड्स सिंस 14th। तो ये भी डिविडेंड अमाउंट यहाँ पे देखिए 10 रुपीज़, ठीक है। तो ये जून एक्स डेट है जून 14th को। तो जून 14th के पहले अगर ऑलरेडी आपके पास स्टॉक्स है तो आपको 10 रुपीज़ करके पर शेयर्स आपको डिविडेंड मिल जाएगा, ठीक है। तो ये 10 रुपीज़ करके टाटा केमिकल में आपको डिविडेंड मिलने वाला है। नेक्स्ट स्टॉक्स है टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड। ये भी बहुत ही अच्छा स्टॉक्स है, और इसका जो करेंट प्राइस है 656 रुपीज़ है। इसका मार्केट कैपिटल एक बार देख लेते हैं, 60,504 इसका करोड़ इसका मार्केट कैपिटल है। प्राइस टू अर्निंग्स भी 70 से ज़्यादा है। डिविडेंड यील्ड है 0.4, एंड इसका जो कॉर्पोरेट एक्शन में जाके इसका डिविडेंड अगर मैं देखता हूँ तो देखिए यहाँ पे 4.05 रुपीज़, ठीक है, ये 4.05 रुपीज़ करके डिविडेंड देने वाला है। और इसका जो एक्स डेट है वो 10th जून, यानी आपको 10 जून के पहले आपके डीमैट अकाउंट में, अगर टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स आपका डीमैट अकाउंट में आता है ये स्टॉक्स, तो आपको भी 4.05 रुपीज़ करके आपको डिविडेंड पर शेयर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टॉक्स है वो बहुत ही बढ़िया स्टॉक्स है, बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे डिविडेंड मिल रहा है, वो है टाटा इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। उसका करेंट प्राइस है 1061 रुपीज़, और इसका मार्केट कैपिटल आप देखोगे तो ये भी इसका बहुत ही बढ़िया एक कंपनी है टाटा ग्रुप का, 5373, और इसका प्राइस टू अर्निंग्स है 34 से भी ज़्यादा। इसका जो अगर देखोगे कि मार्केट का डिविडेंड यील्ड 1.7 है, काफ़ी अच्छा है। और इसका जो अगर देखते हैं कि इसका कितना परसेंट डिविडेंड डिक्लेयर किया है तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो यहाँ पर शेयर 24 रुपीज़ करके डिविडेंड यहाँ पर डिक्लेयर किया है। तो टाटा इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन जो पहले पिछले बार डिविडेंड दिया था 26 करके दिया था, अभी देखिए जो फिलहाल इसका करेंट डिविडेंड का प्राइस है 24 रुपीज़ है, और इसका एक्स डेट है 16,
ठीक है। इसका एक्स डेट है 16 जून, यानी 16 जून के पहले अगर आपके डीमैट अकाउंट में टाटा इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन का शेयर है तो आपको 24 रुपीज़ करके पर शेयर आपको डिविडेंड मिलेगा। तो आपको ये पता ज़रूर होगा कि टाटा एक बहुत ही ट्रस्टवर्थी नाम है, इंडिया का सबसे ज़्यादा रिस्पेक्टेड रतन टाटा जी का कुछ कोई भी शेयर्स कोई भी कंपनी का शेयर्स, टाटा केमिकल, टाटा कंज्यूमर, टाटा स्टील, कोई भी स्टॉक्स सबसे ज़्यादा डिविडेंड देता है, ठीक है। ये लोग जितना प्रॉफिट कमाता है इसका एक मेजर पोर्शन लोगों को, शेयर होल्डर्स को या फिर इसका एम्प्लॉय को बोनस के रूप में देता है। इसीलिए टाटा ग्रुप का ये चार जो शेयर्स मैंने आपको बताया, जितना भी जून में डिविडेंड मिलेगा जितना भी स्टॉक्स में, इसमें सबसे ज़्यादा डिविडेंड, हाईएस्ट डिविडेंड देने वाला स्टॉक्स यही चार है। तो आप इसको प्लानिंग करके ख़रीद सकते हो, और अगर आपके पास है तो बिल्कुल एक्स डिविडेंड के पहले मत बेचिए, डिविडेंड लेने के बाद आप प्लान कर सकते हो, ठीक है। तो वीडियो को थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। और अगर आप वीडियो को अभी भी देख रहे हो एंड तक, तो आप मेरे लिए स्पेशल हो। कोई भी कमेंट्स आप सेक्शन में आप जाके आप बोल सकते हो कि आपके पास कौन सा स्टॉक्स है, तो बहुत अच्छा लगेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, धन्यवाद।